तुम चिंता मत करो। हाँ तुम दूसरी डिमांड बताओ, हम पूरी करेंगे। तुम बस सही सलामत सीएम साहब को भेज दो। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं वो अभी तो होगा नहीं, मुझे पता है। आपने पहला वादा तो निभाया नहीं, मेरी छोटी सी चिल्लर डिमांड है, वो तो पूरा करेंगे ना। चिल्लर की प्रॉब्लम है, कितने चाहिए बताओ ना, चिल्लर तो इसी शहर में तैयार होते हैं, कितने चाहिए बोलो। कुछ ज्यादा नहीं सर, थोड़े दिन पहले मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था, एक लीटर पेट्रोल भरवाया जिसकी कीमत थी 60 रुपए 16 पैसे, उसने मुझसे 61 रुपए ले लिए, बाकी के 84 पैसे मुझे दे दो, सीएम को मैं छोड़ दूंगा। सर शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं फिर से दोहराता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक पेट्रोल पंप पर गया, एक लीटर पेट्रोल भरवाया जिसकी कीमत 60 रुपए 16 पैसे थी, मुझसे लिए गए 61 रुपए, मेरे बचे हुए 84 पैसे लौटा दो, मैं सीएम को छोड़ दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, 84 पैसे कैसे देंगे भाई? तो ये 16 पैसे रखने को क्या तुम्हारे बाप ने कहा? क्या सर कोई जवाब नहीं दिया आपने, गुस्सा आ गया आपको? हमारे इतने चिल्लर खा गए तो हमें कितना गुस्सा आना चाहिए? इस देश के कई पेट्रोल पंप पर कई हजार चिल्लर वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब घर में किसी को बुखार होता है तो वो क्रोसिन खाता है ना, उसकी 4 गोली 4 रुपए 48 पैसे में, बाकी के 52 पैसों का क्या होता है सर? मेडिकल शॉप में हर चीज चिल्लर से ही खत्म होती है। अगर पूरे देश की मेडिकल शॉप्स को मिलाया तो पता चलेगा कि अरबों रुपए की चिल्लर ऐसे ही छोड़ दी जाती है, सुना करोड़ों रुपए छोड़ दिए जाते हैं। हमारे देश में हर रोज एक आम आदमी 2 रुपए ऐसे ही छोड़ देता है, यहां तक कि छोटे बच्चों की साबुन में भी। देश की जनसंख्या 120 करोड़, रोज के 2 रुपए छोड़ने से 240 करोड़ और महीने का 7,200 करोड़ और साल का 86,400 करोड़। इस चिल्लर का क्या होता है सर? अगर ये चिल्लर हमारे पास होती तो इस चिल्लर से हम वो सब सुविधा जुटा पाते जो हम दूसरे देशों से लेकर जुटाते हैं। क्यों हम उनकी तरह हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते या उनकी तरह डॉक्टर नहीं ला सकते?